राम का जन्म 7000 साल पहले हुआ, कृष्ण का जन्म 5000 साल पहले हुआ, जीसस आए हैं 2023 साल पहले। आज 100 ईसाई देश है, 200 करोड़ ईसाई है इस पृथ्वी पर। पैगंबर साहब आए 632 में 1400 साल पहले, आज 56 इस्लामिक देश है। लेकिन 7000 साल पुराना राम का जो धर्म पृथ्वी है, ये जो देश है, आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। इस विश्व में एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है, एक भी सनातन राष्ट्र नहीं है, और हजार साल से लुटेरे लूट रहे हैं। 35 करोड़ हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई है पिछले हजार साल में, और ये कम्युनिस्ट लोग गरीबों और अमीरों को बीच में बांट के, हिंदुओं को बांट के लड़ाना चाहते हैं, ताकि हिंदू लड़ता रहे, कमजोर होता रहेगा, ताकि फिर से लूटते रहेंगे। और यही काम हुआ आज़ादी के बाद। एक गौर से सुनिए सभी लोग, आज़ादी के समय 47 में जिस दिन आज़ादी हुई, उस दिन 33% जमीन दे दिया गया पाकिस्तान को, और बोला गया सभी हिंदू इधर रहेंगे, मुसलमान उस देश में रहेंगे। आज़ादी का दूसरा दिन जिस दिन पाकिस्तान बंटवारा हो गया 14 अगस्त को, 15 अगस्त को बोले जो जहां रहेगा वहीं रह जाएगा, मतलब जमीन भी ले लिया 41 करोड़ एकड़, कोई गया भी नहीं इधर से। और उसके बाद क्या हुआ, यहां इस्लामिक यूनिवर्सिटी, आपका मान है कि स्टालिन के बेटे को फांसी होना चाहिए, फांसी होना चाहिए। आगे सुनिए क्या क्या हुआ है समस्या भारत देश में गरीबों वंचितों के साथ, इनको झूठी चीजें सुना सुना कर। भारत का शिक्षा मंत्री बनाया गया मौलाना अबुल कलाम आजाद को, उसने क्या बोला, इस्लामिक यूनिवर्सिटी बनाओ भारत में, और हिंदू यूनिवर्सिटी नहीं बना सकते, 50 इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, गीता रामायण नहीं पढ़ा सकते भारत में, मालूम है नहीं है किसी को इधर, जेल हो जाएगा गीता रामायण महाभारत पढ़ाओगे तो, बाइबिल कुरान पढ़ा सकते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू हुआ, 4 शादी कीजिए 25 बच्चे पैदा कीजिए, हिंदू ये भाई साहब 2 शादी करेंगे तो इनको जेल हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। दूसरा चीज, उसके बाद क्या किया, मंदिरों को एक्वायर कर लिया, कोई मंदिर का पुनर्निर्माण नहीं होगा, सभी मंदिरों का सरकार अधिग्रहण कर ली, मंदिरों को अधिग्रहण कर ली, टैक्स वसूली। उसी दूसरे तरफ मदरसा मस्जिद के लिए पैसा, हज के लिए सब्सिडी, माइनॉरिटी कमीशन बना के लाखों अरबों खरबों पैसा दे रही है। सनातन धर्म को छोड़ के बाकी धर्मों को बढ़ावा दिया जाए, सनातन को समाप्त करने के लिए पूरा काम किया गया। आगे उसके बाद क्या किया गया वो भी सुन लीजिए, 1975 में इमरजेंसी लगा दी गया, सभी मीडिया को जेल में, सभी विपक्षी नेता जेल में थे, सबको जेल में डाल के भारत का सबसे बड़ा संविधान संशोधन किया गया, उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलते हैं। और उसके बाद कई करोड़ हिंदुओं का नसबंदी कर दिया गया और बोला गया इस्लाम में नसबंदी हराम है। उसके बाद 91 में लाया गया वर्सिप एक्ट, जिसके तहत बोला गया स्टेटस को मेंटेन करना है, जो 1947 से पहले का जो मंदिर है उसको कोई पुनर्निर्माण नहीं करेगा, बाबर ने 40,000 मंदिर तोड़ा, उसका पुनर्निर्माण नहीं कर सकते आप भारत में, उसी स्थिति में रहेगा। उसके बाद लाया गया वक्फ बोर्ड कानून, लाखों एकड़ जमीन दे दिया गया, सेना और रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा जमीन उनको दिया गया। तो ये सब क्या कर रहे हैं, सनातन को समाप्त करने की काम चल रहा है, और बेचारे भोले भाले यदुवंश 25 करोड़ हैं, अगर इस्लामिक देश बनेगा तो 25 करोड़ यदुवंश का नामो निशान इस पृथ्वी से मिट जाएगा, लेकिन ये कोई समझ नहीं रहा है। बहुजन समाज जो है 60 करोड़, अगर देखा जाए तो जो यादव समाज के लोग हैं वो कहते हैं कृष्णा कृष्णा कृष्णा, और जो भी मतलब और भी लोग आते हैं वो राम 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 कहते हैं, तो यहाँ पे तो लोग खुद ही बटे हुए सनातन वाले ही। मैं बता रहा हूँ, पाकिस्तान बांग्लादेश अफगान सब हिंदू था, योगेंद्र मंडल दलित थे, सभी दलितों को लेकर पाकिस्तान गए, एक दलित पाकिस्तान में नहीं बचा। अफगान कांधार गांधारी का जगह था, गांधारी गांधार, कृष्ण शकुनी मामा गांधार के थे, एक हिंदू नहीं बचा। लौ से लाहौर था, कुश की पहाड़ियाँ, जो कुशवाहा है, भगवान राम के वंशज हैं ये कुशवाहा जाति, तो कुश की पहाड़ियाँ, लाहौर, लौ से लाहौर, सब पाकिस्तान में चले, एक हिंदू नहीं बचा। मतलब आप हिंदुओं को खत्म करने की साजिश की जा रही है। अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मातृभूमि को बचाइए आप लोग, ये गलित दलित वंचित को कम्युनिस्ट ब्रेन वॉश करके लाल झंडा पहले पकड़ा देता है कि ये लाल झंडा पकड़ा के देश के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ाएगा, अपने में हिंदू लड़ता रहेगा, और तब तक वो संख्या बढ़ा के बाद में लाल झंडा को हरा झंडा बना देंगे। बंगाल में लाल झंडा 70 साल था, कहाँ चला गया नक्सली, अब हरा झंडा हो गया। केरल में लाल झंडा था 70 साल, अब हरा झंडा हो गया, कोई बोलने वाला नहीं। धीरे धीरे कन्वर्ट किया जा रहा है क्या, आज हरा झंडा हो गया, धीरे धीरे कन्वर्ट किया जा रहा है, सब कन्वर्ट, पूरा नॉर्थ ईस्ट ईसाई हो गया, पूरा बहुत स्थिति खराब है, बिहार कश्मीर बन गया है, उत्तर बिहार का डेमोग्राफी चेंज हो गया है, किशनगंज कटिहार अररिया पूर्णिया दरभंगा सीतामढ़ी चंपारण सिवान गोपालगंज जहानाबाद बेगूसराय ये बिहार शरीफ गया, सब का डेमोग्राफी चेंज हो रहा है,
बिहार इस्लामिक स्टेट बनने जा रहा है, बांग्लादेशी इतने बड़े स्तर पे दावत से कैसे कह सकते हैं कि बिहार इस्लामिक स्टेट बनने जा रहा है? जा रहा है, आप देखिए, आप किशनगंज जाइए एक बार, मोहल्ला घूम के आइए, पटना में दीघा से दीदारगंज गंगा के किनारे घूम के आइए। अच्छा, ये कर कौन रहा है? विदेश के 56 इस्लामिक देश, इस्लामिक संगठन, अरबों खरबों का पैसा। हमारे जो नेता है बिहार के, फिर वो क्या कर रहे हैं? सीधे साधे लोग हैं, भोले भाले सनातनी को बेवकूफ बना रहे हैं। ये मातृभूमि ये हिंदुओं की है, बचा लें, अभी भी समय है, अन्यथा अन्यथा बहुत कठिन दौर है, बहुत कठिन दौर है।